हमारे पास एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 12। नीलम हैज 25 पेंसिल्स। नीलम के पास 25 पेंसिल्स थी। शी गिव्स 4/5 ऑफ देम टू मीना। उसने उन पेंसिल्स का 4/5 पार्ट मीना को दे दिया। हाउ मैनी पेंसिल्स डज मीना गेट। मीना को कितनी पेंसिल्स मिली। हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद नीलम। नीलम के पास कितनी पेंसिल्स बची। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन, पेंसिल्स गिवन टू मीना। मीना को जो पेंसिल्स दी गई वो है 4/5 of 25। 25 का 4/5 पार्ट्स। अब 4/5 of के स्थान पर मल्टीप्लाई आ गया, 25 ऐसे आ गया पेंसिल्स। फाइव से 25 को डिवाइड कर दिया, 4 × 5 पेंसिल्स। 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 × 5 = 20। 4 × 5 = 20 पेंसिल्स। पेंसिल जो मीना को दी गई वो 20 पेंसिल्स दी गई। एक आंसर तो हमारा ये पूरा होता है। इसमें एक चीज और पूछी गई है, हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद नीलम। नीलम के पास कितनी पेंसिल्स बची। पेंसिल्स हम लिखेंगे पेंसिल्स लेफ्ट विद नीलम इक्वल टू टोटल पेंसिल्स। माइनस पेंसिल्स गिवन टू मीना। ये हुआ टोटल पेंसिल्स थी 25 माइनस। अब मीना को कितनी पेंसिल्स दी गई, 20। वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 पेंसिल्स। ये हमारा सेकंड पोर्शन का आंसर हुआ। मीना को जो पेंसिल दी गई वो 25 का 4/5 पार्ट दी गई। ऑफ के स्थान पर हमने मल्टीप्लाई लगा लिया, 5 से 25 को डिवाइड किया, 5 आया। अब इन्हें ऐसे ही लिख लिया, 4 × 5 = 20। 20 पेंसिल्स मीना को दी गई। अब पेंसिल नीलम के पास कितनी बची, हमने लिखा टोटल पेंसिल्स माइनस पेंसिल्स गिवन टू मीना। टोटल पेंसिल्स थी हमारे पास 25 और मीना को जो पेंसिल दी गई वो दी गई 20। 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 पेंसिल्स हमारे जो है नीलम के पास बची। ये दोनों आंसर इस क्वेश्चन के हो गए। पहला आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया।